दोस्तों मैं मधुर गौर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द सर्च इंजन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो 14वीं शताब्दी का एक इंसान रॉबिन हुड याद आता है। हालांकि इसी तरह का एक इंसान भारत में भी हुआ करता था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता और गरीबों में बांट देता। इस बंदे ने अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस शख्स का नाम था सुल्ताना डाकू, जिसे 7 जुलाई 1924 को इसके 15 अन्य साथियों के साथ हल्द्वानी की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, हल्द्वानी उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद हल्द्वानी इस समय उत्तराखंड में हुआ करता है। सुल्ताना डाकू का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुरादाबाद के इलाके में रहने वाले घूमतू और बंजारे भादु समुदाय से था। हालांकि सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के हरतला गांव में हुआ। अलबत्ता कुछ लोगों का मानना है कि उसका जन्म स्थान बिलारी और बिजनौर है। सुल्ताना की माँ बिजनौर और मुरादाबाद बॉर्डर के पास के एक गाँव कांट की रहने वाली थी। अगर उसके धर्म के बारे में बात की जाए तो कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो मुसलमान था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उसे हिंदू धर्म का मानने वाला बताया है, क्योंकि वो भातो समुदाय से था और ये समुदाय हिंदू धर्म को मानता है। हालांकि सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था, लेकिन उसका डील डॉल उसके इस दावे को खारिज करता है, क्योंकि वह छोटे कद का सांवली रंगत वाला एक मामूली इंसान था जिसकी ढंग से दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। सुल्ताना ठाकुरों से बहुत अदब से पेश आता था, लेकिन अमीर व्यापारियों से सख्त नफरत करता था। इसीलिए उसने अपने घोड़े का नाम चेतक और कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा। शुरुआत में सुल्ताना छोटी छोटी चोरियां किया करता था और 17 साल की ही उम्र में ही डकैत बन गया। मात्र 22 साल की उम्र में सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। सुल्ताना जब भी किसी थाने के सामने से गुजरता, वहाँ की पुलिस अपने हथियार डाल देती। सुल्ताना के बारे में लोगों का कहना है कि वह केवल अमीरों को लूटता और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट देता। यह एक तरह से सामाजिक न्याय करने का उसका अपना तरीका था। सुल्ताना का खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश तक फैला था। लोगों का कहना है कि उसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की, लेकिन यह बात अलग है कि उसे गांव के प्रधान की झूठी हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी गई। सुल्ताना का मुख्य कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक पसरा हुआ था। पुलिस उसे खोजती रहती, लेकिन वह अपनी चालाकी से हर बार बच जाता। अंग्रेजी हुकूमत के एक अधिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना द इंडियाज रॉबिनहुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया, उसने कभी इनकार नहीं किया, और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा, उसने उस सामान का हमेशा दो गुना दाम चुकाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दो गुना। जिम कॉर्बेट की किताब में बार बार कालाडूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। ये तीनों ही जगह इस समय उत्तराखंड में है। बताया जाता है कि सुल्ताना ने जिला बिजनौर के नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, और यह एक दिलचस्प तथ्य ही है कि आज उसे नजीबुद्दौला का नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। सुल्ताना अंग्रेजों से इतनी नफरत करता था कि उसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को ही लूटा। अंग्रेजों में उसका इतना ज़्यादा खौफ था कि उनकी रातों की नींद हराम हो जाती, और वो लोग नजीबाबाद के रास्तों से पूरे बटालियन के साथ ही गुजरते। 300 सदस्यों के सुल्ताना के गिरोह के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, वह बेहद वफादार और अनुशासित भी था। ऐसे संगठित गिरोह के सामने पुलिस भी भयभीत रहती थी। चूँकि सुल्ताना अपने इलाके के गरीबों के बीच एक मसीहा माना जाता था, चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाने को तैयार रहते थे।
अनेक ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए, लेकिन कोई भी सफल न हो सका। अंततः टेहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक कुशल और दुस्साहसी अफसर फ्रेडे यंग को बुलाया। आगे जाकर फ्रेडे यंग का नाम इतिहास में सुल्ताना के साथ अमिट रूप से दर्ज हो गया, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद फ्रेडी ने न केवल सुल्ताना को धर दबोचा, उसने सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे और उसकी पत्नी की जैसी सहायता की, वह अपने आप में एक मिसाल है। इस बात के प्रमाण है कि फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की पत्नी और उसके बेटे को भोपाल के नज़दीक बसा दिया। बाद में उसने उसके बेटे को अपना नाम दिया और उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। कहते हैं फ्रेडी यंग ने ऐसा करने का सुल्ताना से वादा किया था। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को धर दबोचा। 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की और अंततः 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए। इस पूरे मिशन में जिम कॉर्बेट ने भी फ्रेडी की मदद की थी। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस के नाम से भी जाना जाता है। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और हल्द्वानी की जेल में 7 जुलाई 1924 को फांसी पर लटका दिया गया। सुल्ताना की मौत के बाद उसे याद करते हुए जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा, इस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत का मुकाबला किया और जेल की कोठरी में अपने व्यवहार से पहरेदारों का दिल जीत लिया। उसके हाथ में ताकत थी, फिर भी उसने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। एक पेड़ के पास मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मेरे सभी साथियों की जान बख्श दी और उसने मुझे एक तरबूज गिफ्ट के तौर पर दिया था। दोस्तों, हम नहीं जानते कि सुल्ताना को हम डाकू कहें या गरीबों का मसीहा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप सुल्ताना के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।